Pledge, I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello, students. Welcome to chemistry class. In previous class, we covered up to arsenic from chapter number 6. Today, we will start tungsten. In traditional incandescent light bulbs, tungsten was extensively used in the filaments. In traditional light bulbs mein jo tungsten hai woh zyada use hota tha filament mein. Among all the metal, tungsten has a higher melting point. It is alloyed with other metals to provide strength to other metals. Okay, jitne bhi metals hain jo tungsten hai sabse zyada uski sabse zyada melting point hai. ये अलाउ करते हैं अदर मेटल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए. ऑल्सो टंगस्टन एंड इट अलाउज आर वाइडली यूज इन मैनी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन सच एज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड, हीटिंग एलिमेंट्स इन हाई टेम्परेचर फर्नेसेस. टंगस्टन कार्बाइड एज इमेंसली हार्ड मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेटल वर्किंग. जो टंगस्टन कार्बाइड है वो इतना ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है कि वो इम्पॉर्टेंट होता है मेटल वर्किंग के लिए, माइनिंग में, पेट्रोल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज. टंगस्टन इज ऑल्सो यूज टू मेक एक्सलेंट कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स. जो टंगस्टन है वो बहुत ज़्यादा यूज करता है एक्सलेंट कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स के लिए, इंक्लूडिंग द न्यू पेनलेस डेंटल ड्रिल विच स्पेन एट हाई अल्ट्रा हाई स्पीड्स. टंगस्टन इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर वाइडली यूज इन फ्लोरोसेंट लाइटनिंग. टंगस्टन का हम जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है फ्लोरोसेंट लाइटनिंग के लिए. नाउ एंटीमनी. एंटीमनी इज यूज इन मेकिंग अलॉयज विथ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ये क्या करता है, अलॉय बनाने के लिए काम आता है विथ अ नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स. लेड एंटीमनी अलॉयज आर यूज फॉर सोल्जर अम्युनिशन, फिशिंग टैकल्स, कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स. अलॉय दैट मेल्ट एट लो टेम्परेचर एंड बैटरीज. इसको इलेक्ट्रिकल केबल्स की कवरिंग के लिए भी यूज होता है. क्यों यूज होता है, क्योंकि ये मेल्ट होता है एट लो टेम्परेचर एंड बैटरीज. एंटीमनी इज ऑल्सो यूज इन लेड स्टोरेज बैटरीज. लेड स्टोरेज बैटरीज में ये यूज होता है. विच अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ ऑल द एंटीमनी यूज ईच ईयर. ट्रेस अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स. कुछ अमाउंट की एंटीमनी, ट्रेस मतलब लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एंटीमनी यूज इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स फाउंड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज कंप्यूटर, गेम्स, पॉकेट कैलकुलेटर एंड पोर्टेबल स्टेरियोस. एंटीमनी इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सेरामिक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक. यूज ऑफ एंटीमनी इन ग्लास एंड सेरामिक इंश्योर द प्रोडक्ट टू बी क्लियर एंड कलरलेस. नाउ कोरोजन ऑफ मेटल. आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. ओके, आयरन लोहा जब उसको हम ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंट में रहता है ना, कोई एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों रहते हैं. जब आयरन मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्म हो जाता है, फ्लैकी सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग लग जानी, कोरोजन, उसको हम रस्ट बोलते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन अनडिजायरेबल चेंज बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म फॉल ऑफ एक्सपोजिंग द मेटल ऑन फर्दिंग फर्दर रस्टिंग. एज अ रिजल्ट आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वीक विथ द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, ये क्या है बच्चा, ये अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि जब रस आयरन कॉन्टेक्ट में आता है मॉइस्चर में, उसके कारण इसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, ये ब्राउनिश कलर में हो जाते हैं, और जो आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वीक हो जाता है टाइम से टाइम. ठीक है, थर्स कोरोजन ऑफ रस्टिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ आयरन ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन मॉइस्चर ऑन इट्स सर्फेस. ओके, कोरोजन और रस्टिंग को अगर हमको डिफाइन करना है एक प्रॉपर वे में, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्लो ईटिंग अवे ऑफ आयरन, मतलब स्लोली स्लोली, ये बहुत जल्दी नहीं हो जाता है, स्लो प्रोसेस होता है. स्लो प्रोसेस में क्या होता है, आयरन
ख़त्म होते लगते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर का अटैक आता है उसके सरफेस के ऊपर। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कंडीशंस क्या होती हैं रस्टिंग के लिए? व्हेन रस्टिंग ऑकर द आयरन रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन इन इट्स एनवायरनमेंट। जब रस्टिंग होती है जो आयरन है वो वाटर एंड ऑक्सीजन में एनवायरनमेंट के अंदर रिएक्ट होता है। दिस रिएक्शन फॉर्म आयरन ऑक्साइड, और जब ये रिएक्शन होता है तो एक आयरन ऑक्साइड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रस्ट। थस रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन इन विच आयरन इज चेंज इन टू अ न्यू सब्सटेंस दैट इज रस्ट। एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि जो आयरन है वो एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो रहा है दैट इज रस्ट। किस तरीके का प्रोसेस है? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इन तीनों का कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या बनता है? आयरन, आयरन ऑक्साइड बनता है जो रस्ट होता है, जनरली आयरन रस्ट। हाउएवर बिसाइड आयरन कॉपर ऑल्सो रस्ट गिविंग अ ग्रीन कलर डिपॉजिट ऑन द कोरोडेड सरफेस। जो कॉपर है वो भी रस्ट होता है क्योंकि वो एक ग्रीन कलर का कलर डिपॉजिट होता है उसके सरफेस में। केमिकल नेचर ऑफ द रस्ट, रस्ट का केमिकल नेचर क्या है? रस्ट इज रेडिश ब्राउन फ्लेकी सबसे, इट इज सॉफ्ट एंड प्योरस केमिकल, केमिकली इट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन हाइड्रिक फेरिक ऑक्साइड, इट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, थस रस्ट इज बेसिक इन नेचर। ओके, जो रस्ट है एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सबसे बन जाते हैं कि सॉफ्ट होने लग जाते हैं, और ये क्या करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि जो रस्ट है वो बेसिक इन नेचर होता है। अंडरस्टैंड, ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। प्रिवेंशन ऑफ रस्ट, नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज फ्यू मैथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। फर्स्ट वन इज पेंट। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग इज टू कोट द मेटल सर्फेस विथ अ पेंट। दिस इज वाई वी सी स्टील फर्नीचर आयरन ब्रिज रेलवे कोचेस एंड बॉडीज ऑफ बसेस एंड ट्रक कोटेड विथ पेंट। द कॉमनली यूज पेंट एंड मेड फॉर लेड और जिंक। ओके, पेंटिंग सबसे ईजी वे है कि अगर हम मेटल के सरफेस को पेंट कर देंगे तो वो प्रिवेंटिंग से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो स्टील फर्नीचर्स में, आयरन ब्रिजेस में, रेलवे कोचेस, बस की बॉडी के ऊपर या ट्रक में पेंट की कोटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर उसमें जंग नहीं लगेगी, मतलब वो जो आयरन है कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा जो प्रिवेंट करेगा पेंट। जो पेंट है वो कॉमनली लेड और जिंक से बनता है। नाउ ग्रीस और ऑयलिंग, अगर हम ऑयलिंग और ग्रीस लगा देंगे तो भी प्रिवेंशन हो जाएगी रस्टिंग से। अ कोट ऑफ ग्रीस और ऑयल ऑल्सो प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम रस्टिंग बाय शटिंग आउट एयर एंड मॉइस्चर। यू माइट हैव सीन दैट ब्रांड न्यू टूल सीजर एंड नाइफ्स आर मेड विद ग्रीस टू प्रिजेंट देयर शाइनिंग्स, प्रिजर्व देयर शाइनिंग्स। ओके, आप अगर ग्रीस और ऑयल भी लगा दोगे तो भी वो रस्टिंग से बच जाएगा मेटल। आपने देखा होगा जो ब्रांड न्यू टूल्स होते हैं जैसे सीजर्स हो गए, नाइफ्स हो गया, इनको भी हम उसकी शाइनिंग को प्रिजर्व रखने के लिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहते हैं। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? कोटिंग ऑफ मेटल सर्फेस विथ जिंक। हम मेटल सर्फेस को जिंक की कोटिंग प्रोवाइड कर देंगे। किसकी? जिंक की कोटिंग। जब हम जिंक की कोटिंग प्रोवाइड करेंगे मेटल सर्फेस के ऊपर उसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। दिस इज डन बाई द फर्स्ट क्लिनजिंग द ऑब्जेक्ट टू बी